नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय परदेश। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट्सएप के हिडन फीचर्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि व्हाट्सएप हमें ऐसे कौन कौन से फीचर्स देता है जिन्हें हम कभी यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में बच्चे बच्चे के पास एक स्मार्टफोन है और उसमें व्हाट्सएप है। तो आज हम जानेंगे व्हाट्सएप में ऐसे कौन कौन से फीचर्स है जो आसानी से किसी को मिलते नहीं, और गलती से अगर ये फीचर्स आपको दिख भी जाते हैं तो आपको ये नहीं पता कि ये क्या है और किस काम आता है। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं व्हाट्सएप के फीचर्स की तरफ। तो जैसे कि फ्रेंड्स, जब हम अपना व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। जब हम ऊपर दिए गए थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर जाते हैं तो हमें राइट साइड में एक छोटा सा बारकोड दिखता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक बड़ा सा बारकोड हमारे सामने आता है जिसके ऊपर लिखा होता है माय कोड और स्कैन कोड। माय कोड का मतलब आपका कोड है और स्कैन कोड का मतलब यहाँ से किसी के भी व्हाट्सएप का कोड स्कैन कर सकते हैं। अब इसका काम जान लेते हैं कि आखिर ये किस काम आता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको किसी से व्हाट्सएप पे बात करनी होती है या फिर फोटोज़ या वीडियोज़ एक दूसरे के साथ शेयर करना होते हैं तो आपको पहले सामने वाले का व्हाट्सएप नंबर लेना होगा और अपने फ़ोन में सेव करना होगा, तब जाके उस व्यक्ति से व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो पाएंगे। इस सब प्रोसेस से बचने के लिए हमारा ये बारकोड काम आता है, जिसे हम अपने फ़ोन में स्कैन करवा के या सामने वाले का बारकोड स्कैन करके उसे डायरेक्ट अपने चैटिंग सेक्शन में ला सकते हैं और आराम से जो चैट या वीडियोस फोटोज शेयर करना है वो कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब बात करते हैं व्हाट्सएप के दूसरे फीचर्स की। तो जैसे कि हम वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो वीडियो कॉल पर हमारा डाटा बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब 5-10 मिनट के वीडियो कॉल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मुश्किल से 14 से 15 MB खर्च होता है। लेकिन वही वीडियो कॉल आपको अगर 1.5 से 2 घंटे करनी हो तो या फिर 3 घंटे करनी हो तो तब आपका आधे से ज़्यादा डाटा खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका डाटा बचाने के लिए आपको एक सिंपल सी सेटिंग करनी है। आपको राइट साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है। यहाँ से आपको चूज़ करना है स्टोरेज एंड डाटा। फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एंड यूसेज, ठीक उसके नीचे होगा यूज़ लेस डाटा फॉर कॉल्स, इसको आपको ऑन कर देना है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब भी आप किसी से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल पे बात करेंगे तो आपका डाटा कम से कम खर्च होगा। एक तरीके से आपका डाटा सेव मोड पे हो जाएगा और डाटा की बचत होगी। और हाँ, इससे आपके वीडियो कॉल की क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसी पहले थी वैसी रहेगी, बस आपका डाटा कम खर्च होगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं व्हाट्सएप के तीसरे फीचर्स की ओर। कई बार हम किसी को व्हाट्सएप पे फोटो शेयर करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को उस फोटो की क्वालिटी ठीक नहीं मिल पाती। जो हमारे फ़ोन में ओरिजिनल फोटो है वही फोटो व्हाट्सएप के थ्रू भेजने से उस फोटो की क्वालिटी बहुत लो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के थ्रू भेजी गई अपनी फोटो की क्वालिटी को सुधारने के लिए सबसे पहले थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, फिर सेटिंग पर जाइए, देन स्टोरेज एंड डाटा पर क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, सबसे नीचे एक ऑप्शन होगा अपलोड फोटो क्वालिटी, उस पर क्लिक कीजिए और बेस्ट क्वालिटी पर सेव कर लीजिए। इससे ये होगा कि जब भी आप किसी को अपने व्हाट्सएप के थ्रू फोटो भेजेंगे तो हमेशा बेस्ट क्वालिटी में अपलोड होगी, जिससे सामने वाले व्यक्ति को फोटो ओरिजिनल क्वालिटी में ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं व्हाट्सएप के चौथे फीचर्स की ओर। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से चैट करते हैं, वो आपको फोटोज़ और वीडियोज़ सेंड करता है, पर आप चाहते हैं कि उसके भेजे गए फोटोज़ और वीडियोज़ आपको आपकी गैलरी में ना दिखें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए व्हाट्सएप का एक फीचर्स हमारे बहुत ही काम आता है। तो इस सिचुएशन में सिंपली आप उस व्यक्ति के फ़ोटो पर क्लिक करें, फिर कोने में आई बटन होगा उस पर क्लिक करें और फिर नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ नीचे तीन ऑप्शन होंगे, पहला होगा म्यूट नोटिफिकेशन, दूसरा होगा कस्टम नोटिफिकेशन और तीसरा होगा मीडिया विजिबिलिटी। आपको मीडिया विजिबिलिटी पे क्लिक करना है, ये पहले से डिफ़ॉल्ट या फिर यस पे होगा, आपको सिंपली नो पर सेलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति जब भी आपको फ़ोटोज़ और वीडियो सेंड करेगा वो आपको गैलरी में कभी शो नहीं होंगे, जब तक कि आप उसे फिर से डिफ़ॉल्ट या फिर यस पे सिलेक्ट नहीं कर देते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको व्हाट्सएप के हिडन फीचर्स और ट्रिक्स वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।